मंकी छपरा मंकी मंकी छपरा संदूक हो वो बेटा ब्लू मंकी ब्लू ब्लू मटुका मंकी ब्लू मंकी है मटुका क्यूट परी काल मंकी मंकी ए वो रहा ब्लू मंकी आपकी चेयर पे बैठा वो आपकी बर्थडे वाली चेयर पे बैठा ब्लू मंकी बैठा ना देखो वो बैठा वहां पे ओफो जो बच्चे अपनी मम्मा का कहना नहीं मानते ना हैं और वो फोन देखने की जिद करते हैं वो वहां से उतर के आ जाता है फिर मंकी वो वाला ब्लू वाला मंकी ना उतर के आ जाता है। अब तो नहीं करोगे आप जिद हैं अब जिद तो नहीं करोगे आप सिये के हेयर भी बड़े हो रहे हैं अभी पापा जी कटवा नहीं रहे कह रहे अभी कटवाऊंगा होली के बाद मंकी और तो होली के बाद देखिएगा सिये की कटिंग हैं ब्लू मंकी वोरा ब्लू मंकी ए देखो वोरा ब्लू मंकी हाँ ब्लू मंकी सिया का ब्लू मंकी हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ बढ़िया हूँ और सिया को देखिए सिया क्या कर रही है सिया ने अपने मुंह पे लिपस्टिक लगा ली है मम्मा की उठा के तो फ्रेंड्स सिया फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए चलते हैं व्लॉग की तरफ। सिया इधर आ तो फ्रेंड्स आ गई थी मैं ऊपर बर्तन वॉश हो गए हैं और अब चलूंगी नीचे बर्तन वॉश हो गए हैं किचन भी साफ हो गई है और दीदी ने पोछा लगा दिया है झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया तब तक अब चलते हैं नीचे और यहाँ को धुल भी दिया है बर्तन वॉश करते हैं यहाँ पे तो जो है साबुन सी जम जाती है तो वो सब भी साफ कर दिया है। अब चलते हैं नीचे सब्जी वगैरह काट लूंगी वहीं मम्मी के पास बैठ करके मुझे लगा खराब निकलेगा या था भाई और इसीलिए मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे मगा ये कभी खराब भी हो जाए मैं छोटा लेकर चल रही था मैं ले आई बड़ा देखिए इस बार मेरी तुलसा जी भी कितनी अच्छी हो गई है पूरी हरी भरी इन वाली को तो मैं उखाड़ने की सोच रही थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सूख गई थी बट ये बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा हो गई है और ये वाली भी देखिए ये वाली भी यहाँ से होने लग रही है दोबारा। अब तो मैं नीचे चलती हूँ बाद में किसी दिन दिखाऊंगी आपको देव की नर्सरी चुन्नी तो उठा लो पीछे से अपनी यहाँ चुन्नी उठा लो पीछे से सी आ गई है पापा जी के साथ मुर्गी फार्म पर बच्चे देखने के लिए सॉरी बकरी फार्म पर और ये बंटी ने सारे पशुओं को बांध दिया है अलग पानी पिला करके और अब झाड़ू लगा रहा है ये देखो धूप लग रही है ना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा खड़े हैं सारे अभी तो क्योंकि अभी ये लग बंधे हैं ये
खेत में जई भी हो रही इतने बड़े बड़े, और ये जो है मूली पर आ रखे हैं इतने बड़े बड़े सींगरे, सींगरे बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो इन्हें। ये देखिए इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, काफी हो रखे हैं। बहुत मेहनत लगती है पर इनकी सब्जी बनाने में, पहले इन्हें यहाँ से तोड़ना होता है और फिर ये देखिए छोटे ही है ना अभी ये, पहले इन्हें इस तरह से तोड़ो यहाँ से और फिर यहाँ से बीच से कट करो। इसकी कोई इसमें इतना वही ना आता, अब तो सारा दिन तो बड़ा काम मम्मी धो रहे, बेर बेर कदी कोई सा मम्मी रिया को आवाज लगा रही सुबह सुनाक्षी आई तो पहले तो मैं ही कहती मगर क्या कह रही है, वो तैयार होगी अब जा। हाँ और तो ना उसे ही बताऊंगी, रिया को ही बताऊंगी। फिर सुनाक्षी आई मगर भाई पता नहीं क्या बात है, रिया को ही बुलाया जा रहा। सुनाक्षी कह रही जब आई तो बूझ के जाऊंगी मैं भी बूझ के जाऊंगी आज, माँ जी क्या देवगी रिया को। हाँ सारा कमरा क्लीन हो चुका है और बाहर भी क्लीन हो गया है, झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं, मम्मी के कपड़े बदल दिए हैं और नहलानी आज मम्मी को, उनके कपड़े बदल दिए ऐसे ही, हाथ मुँह धुलवा कर उनकी चारपाई बाहर डाल दी है। आइए देखो सिया क्या छेड़खानी कर रही रिया के फ्रॉक के साथ। सिया बदतमीजी मत किया करो बेटा, आप अब बड़े हो रहे, अब आप बड़े हो रहे। दीदी को आवाज लगाओ, अपना बॉक्स निकल लेगी कपड़ों का, चलो रिया दीदी बोलो, रिया दीदी बेटे अपना डिब्बा दे लाई सर, रख दे अपने फ्रॉक को इसमें।